बरसात के दिनों में लगातार मौसम बदल रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियां पांव पसार रही हैं। सहारनपुर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जिनमें सबसे ज़्यादा मरीज फीवर, उल्टी, दस्त और पेट दर्द से पीड़ित हैं। वहीं काफ़ी मरीज घर पर रहकर भी इलाज करवा रहे हैं। जिला अस्पताल के वार्डों में भी बेड पूरी तरह से भरे हुए हैं। CMS डॉक्टर SK वानखेड़े ने कहा कि इस समय OPD में रोज़ाना 2,500 से 3,000 मरीज आ रहे हैं। जी बच्चों को कई दिन से बुखार आ रहा था, जी पेट में हो रहा है कमी। डॉक्टर यूँ कह दिया ठीक हो गए तो घर ले जाओ, छुट्टी दे दे जी, एक दिन दवाई देवे, छुट्टी कर देवे। आराम ही नहीं रहा बच्चे को। इलाज सही नहीं चल रहा जी? नहीं, इलाज नहीं, नहीं। छुट्टी का पर्चा पकड़ा दिया जी मेरे आदमी, सुबह भी दे दिया, अब फिर पेट थोड़ी हो रहा बच्चे। बरसात के दिनों में इसमें कोई शक नहीं है, बरसात जनित बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियों के मरीज हमारे पास आ रहे हैं। मौसम जब बदलता है उस समय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी बॉडी कम हो जाती है, तो उसमें बुखार के मरीज होते हैं। बुखार के मरीजों की तादाद हमारे यहाँ बढ़ गई है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। एक तो वो आ रहे हैं, दूसरा मच्छर जनित रोग अभी उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ मरीज मच्छर जनित रोग आ रहे हैं जिनकी निरोधक कर्म हमारे चल रही है। हमारे यहाँ एक डेंगू वार्ड बना हुआ है, स्वाइन फ्लू वार्ड बना हुआ है, आरक्षित है। सारी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं। कल माननीय जो नए हमारे प्रमुख सचिव महोदय हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3 घंटे की थी, जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय भी मौजूद थे।